गाइस, मोबाइल कंपनी में अगर हम एक नाम लेते हैं तो वो है वन प्लस, क्योंकि यार वन प्लस एक ऐसा फोन है जो एप्पल के बाद हमें सबसे ज्यादा प्रीमियम फील करवाने वाला फोन है वन प्लस। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अभी एक न्यूज बहुत चल रही है यूट्यूब में भी, और फाइनली वन प्लस की ऑफिशियल साइट में भी वन प्लस नोट जो है वो कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, वन प्लस का न्यू फोन वन प्लस नोट करके एक फोन आ रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्राइस लीक हो गया है, स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में जो कि कंफर्म होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। सो गाइस, जो वन प्लस नोट आ रहा है उसका वन प्लस कर लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, मार्केट में वन प्लस के बहुत अच्छे अच्छे फोन पहले से अवेलेबल है, लेकिन वन प्लस के जितने भी फोन थे वो पूरे के पूरे फोन प्रीमियम रेंज में आते हैं, जिनका प्राइस लगभग 30 के ऊपर ही है। चाहे वन प्लस 70 ले लो, चाहे वन प्लस 8 ले लो जो 40 के ऊपर है, वन प्लस 70 37 के आसपास आ रहा है। अब वन प्लस वालों को एक चीज एहसास हुई कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा 15,000 टू 13,000 के बीच में जो प्रीमियम फोन आते हैं उसको इंडियन लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा वही फोन बिकते हैं हमारे इंडिया में। तो वन प्लस ने सोचा कि हमें भी एक मिड रेंज वाला फोन हमें मार्केट में उतारना चाहिए और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा और लोग उसे कैसे खरीदने वाले हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा वन प्लस के एक मिड रेंज फोन को लेकर। तो यहाँ पे फाइनली वन प्लस ने वन प्लस नोट, पहले हम सुन रहे थे वन प्लस जेड, कोई बोल रहा था वन प्लस वन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही थी कि इस टाइप्स ऑफ फोन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। लेकिन फाइनली वन प्लस जो नोट है वो कंफर्म हो चुका है, वन प्लस नोट ही के नाम से वन प्लस का न्यू फोन आने वाला है जो कि 10 जुलाई को आ सकता है। जी हाँ, 10 जुलाई को लॉन्च हो सकता है, जो कि 100% कंफर्म न्यूज है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि कंफर्म कितनी प्राइस हो सकती है। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, फाइनली प्राइस किसी को नहीं पता। जो भी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि प्राइस लीक हो गई है, ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है, तो भाई ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए वन प्लस जो नोट है उसकी जो प्राइस जो मानी जा रही है वो 25,000 टू 35,000 रुपीस के बीच में हो सकती है। जी हाँ, 25,000 टू 35,000 के बीच में वन प्लस नोट की प्राइस हो सकती है हमारे इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो होता है मोबाइल का प्रोसेसर। आपको पता है कि वन प्लस 8 स्नैपड्रैगन 865 के साथ आया है, जो कि स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन आपको पता है कि स्नैपड्रैगन में 865 यानी कि जो 8 सीरीज आती है वो भी आती है और 7 सीरीज भी आती है। 7 सीरीज में 710, 720, 730 वाली सीरीज की जो फोन है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन वन प्लस जो नोट होगा उसमें आप लोगों को 100% स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब जो जी प्रोसेसर होता है वो स्पेशली गेमिंग प्रोसेसर के नाम से आता है। तो वन प्लस नोट में 100% आप लोगों को स्नैपड्रैगन 765G मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात करेंगे इस डिस्प्ले के बारे में, तो ऑब्वियसली इस बाइक में आप लोगों को ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सेम वन प्लस 8 वन प्लस 7 में आपको देखने को मिला है। वहीं दोस्तों स्क्रीन साइज के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये 6.1 इतना बड़ा भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से भाई इसकी जो स्क्रीन साइज होगी वो 5.5 इंच के आसपास की हो सकती है। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले मिलेगा, कर्व वाला डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मिड रेंज में ये फोन आएगा। वेरिएंट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये फोन जैसे आप लोगों को पता है कि मिड रेंज में आ रहा है, इसमें आपको हो सकता है जी
ये हो सकता है कि आप लोगों को 664 भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली वन प्लस में मुझे लगता है कि 6128 का ऑप्शन होगा या 8256 का ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 664 का अगर ऑप्शन होगा तो उसका प्राइस भी आपको काफी कम देखने को मिल सकता है। वहीं बैटरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 3700mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सेम वन प्लस 7 में हमें देखने को मिलती है। कैमरे के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कैमरे के बारे में आपको रियर कैमरे में यानी कि जो प्राइमरी कैमरा होता है हमारा, उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इस फोन में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। और वहीं फ्रंट कैमरे के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, जो कि मैं भी बोल रहा हूं कि 100% सही हो सकता है, कि इसमें आप लोगों को पंच होल वाला जो हमारा, अभी आपको पता है कि पंच होल कैमरे की ज्यादा चीजें चल रही है, पहले हम लोगों को नॉच वाले कैमरे मिलते थे लेकिन अब पंच होल वाले कैमरे मिल रहे हैं, तो पंच होल वाला कैमरा भी आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है, जो कि 25 मेगापिक्सल के आसपास का फ्रंट कैमरा इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से OnePlus Note बहुत ज्यादा हिट होने वाला है, बहुत ज्यादा चलने वाला है, बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे इस फोन को। भाई गर्म होने वाला हिट नहीं, हिट होने वाला हिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फोन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस फोन को उतारा गया और इस फोन की जो प्राइस रेंज होगी वो 100% जी 100% 25 से 30 के बीच में अगर रही, और अगर इसी प्राइस में फोन मिलेगा तो शायद एक पीस मैं भी लेने वाला हूं। बस वेट करना हमें 10 जुलाई तक। मैं सोचा आज का हमारा एक वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी डल रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे कि इस टॉपिक में वीडियो बनाओ। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको OnePlus Note के बारे में बताया, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके।